नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नई जानकारी और लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं अमित कुमार सोनी सभी व्यूवर्स का VIIIC में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करते चलें चैनल को, लगातार लेटेस्ट अपडेट आ रही हैं और शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है तो आप लोगों को कंटिन्यू वो मिलती रहे, इसके लिए नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर भी करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों हाईकोर्ट का रिजल्ट आने के बाद से न केवल प्रशासन में बल्कि मध्य प्रदेश के युवाओं में, उसकी पूरी जनता में काफ़ी कुछ हड़बड़ाहट हो गई है और जो ओबीसी समुदाय है, ओबीसी वर्ग है, काफ़ी मानसिक रूप से परेशानी उसको उठाना पड़ी है। और अब इसी के संबंध में दोस्तों आज का जो वीडियो है वो दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर आधारित है। पहला है कि ओबीसी महासभा द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए सूचना जारी कर दी गई है और पूरा प्रोफार्मा तैयार कर लिया गया है। उनके लेटर हेड पर उन्होंने पत्र में अपनी पूरी डिटेल दी है कि क्या रहेंगी मांगे, कब किया जाएगा घेराव और किस प्रकार से चलेगा ये आंदोलन। और दोस्तों दूसरी जानकारी है कि शिक्षक भर्ती में जो चयनित शिक्षक हैं काफ़ी लंबे समय से ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं, कई बार वेरिफिकेशन हुआ, कैंसिल हुआ, स्थगित हुआ, फिर से स्टार्ट हुआ और अब चूंकि DPI भी अपना ये काम कर चुका है और ज्वाइनिंग जरूर दे देना चाहिए, तो दोस्तों उसी के संबंध में जो ज्ञापनों का दौर है वह जारी है। तो जो ज्ञापन दिया गया उसके बारे में भी बात करेंगे कि कहाँ दिया गया, किसको दिया गया और किस प्रकार से जो है अब चयनित शिक्षक आगे की रणनीति को अपनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ओबीसी महासभा द्वारा जो मुख्यमंत्री आवास के घेराव के संबंध में जानकारी दी गई है लेटर हेड पर, तो वो आप पहले सबसे जान लें और जो भी वर्ग इससे संबंधित है तो वो इनसे जुड़ने का प्रयास, ओबीसी वर्ग के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई जा सके और एक सशक्त माध्यम से, एक सशक्त मंच के माध्यम से अपनी बात को गवर्नमेंट पर पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों देखें वह लेटर हेड कि क्या क्या मांगे रखी हैं और किस प्रकार से कार्य योजना बनाई है ओबीसी महासभा ने। देखिए दोस्तों ये उनके लेटर हेड पर लिखा हुआ है और ये 16 जुलाई 2021 को इशू किया गया लेटर है और इसमें अति महत्वपूर्ण सूचना को अंकित करते हुए इन्होंने जो अंदर बातें कही हैं वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्यों के अनुसार ओबीसी महासभा के समस्त पदाधिकारियों, प्रदेश, संभाग, जिला, ब्लॉक, तहसील, जनपद, नगर वार्ड, पंचायत अध्यक्ष एवं समस्त मोर्चा पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 28 जुलाई 2021 को, अब जो कारण बताए हैं कि किन किन विषय पर ये बात रहेगी, तो नीट में ओबीसी आरक्षण समान, NHRM भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी आरक्षण में अनियमितताएं, आयुष विभाग एवं अन्य विभागों की प्रवेश भर्ती परीक्षाओं में प्रक्रिया में क्रीमी लेयर बाध्यता को लागू करने के विरोध में भोपाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। और बाद में ये निवेदन करते हैं कि आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि सभी COVID-19 कोरोना संक्रमण वैश्विक महामारी में शासन प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दिनांक 28 जुलाई 2021 को भोपाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम का आयोजन में अधिक से अधिक भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और इस प्रकार से जो उनके हेड हैं उनके सिग्नेचर हैं। तो दोस्तों ये जो ओबीसी महासभा है तो ये काफ़ी कुछ करती है ओबीसी के विद्यार्थियों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए और भी जो मध्य प्रदेश के सभी युवा वर्ग हैं और जो भी निवासी हैं सभी के लिए। तो दोस्तों 28 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की इनकी कार्य योजना है और इसमें सभी लोग जो भी सदस्य हैं और चाहते हैं कि हमें न्याय मिल सके तो सभा से जुड़ें और अपनी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करें। तो दोस्तों ये तो हुई एक जानकारी ओबीसी महासभा के संदर्भ में। अब हम बात कर लेते हैं चयनित शिक्षकों की। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये पूरी टीम है और झाबुआ में शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी को इन्होंने ज्ञापन दिया और ज्ञापन में दोस्तों वही बातें हैं कि जुलाई में ज्वाइनिंग कर दी जाए, वेरिफिकेशन कम्प्लीट हो चुका है, अब कोई कसर नहीं बाकी है। और हालांकि आयुक्त मैडम से जब बात हुई थी तो उन्होंने कह दिया था
कि जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक तक तो कम से कम ये मान के चलिए कि मेरिट लिस्ट आ ही जाएगी और उसके बाद में ज्वाइनिंग की प्रोसेस भी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये पिक्स में भी आपने देख ही लिया और इस प्रकार से उनको ये ज्ञापन दिया गया। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी और मेन बात थी इसमें कि ओबीसी महासभा द्वारा जो आरक्षण धरना प्रदर्शन किया जाएगा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा, वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसमें सभी अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।